वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अदिति। होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विल्वा गोट मिल्क शैम्पू का रिव्यू। सो कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपना शैम्पू चेंज करना चाहती हूँ। सो आई केम अक्रॉस विथ टू शैम्पू जिसमें से मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज इसका रिव्यू। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस देन कीप ऑन वॉचिंग बिफोर मूविंग अहेड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आप मेरे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बींग ब्यूटिफुल अदिति। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट। So guys, firstly I should talk about this brand. This is an Indian homegrown brand. Their products are all natural, organic. Also जो इनके ingredients होते हैं, most of their ingredients are plant derived ingredients. Apart from these, the raw material which they use in their product, they procure it from their own farming. They are clear with their ingredient list. ये अपने सारे ingredient list अपने product में भी mention करते हैं। They mention in on their website also, so you can just check it out. They are free from all those harsh chemicals like SLS, parabens, mineral oils. They are free from all those chemicals. Apart from this, their products are non-toxic and dermatologically tested. Guys, अगर मैं मेरी बात करूँ, so I really love to try out Indian brands because मुझे बहुत पसंद है जो अपनी जो homegrown brands है, they are working so well. बहुत ही अच्छा, बहुत ही tough competition create कर रहे हैं international market में. And I really love अगर कोई brand इतनी transparency create कर रहा है अपने customer के साथ. इसके अलावा भी मैं कई सारे इंडियन ब्रांड टेस्ट आउट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बिकॉज मेरा जो हेयर केयर या मेरा जो स्किन केयर है, मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हों वो सारे इंडियन ब्रांड्स के हों। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रमोट आर इंडियन ब्रांड, दैट्स ऑल। कमिंग टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट एक आपको ऐसे स्टर्डी पैकेजिंग में रिसीव होगा, टिन की बॉटल है, इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। इसमें आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक की कैप रिसीव होगी जो इसको बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी प्राइस पॉइंट की मैं बात करूँ तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा अराउंड 590 रुपीज़ फॉर 200 ml, विच इज़ नॉट दैट मच अफोर्डेबल, बिकॉज जो मैं लास्ट शैम्पू यूज़ करती थी मुझे उसके लिए 300 से 350 रुपये देना पड़ता था फॉर सेम अमाउंट, फॉर सेम क्वान्टिटी, और उसके हिसाब से मुझे इसके लिए जस्ट डबल देना पड़ रहा है। बट दिस वन इज़ वेरी फेमस, ये उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में से एक था, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट। मैंने इसको नायका से मंगाया है, मैंने इसे करीब एक डेढ़ महीने पहले ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव हो गया था टाइम से। नायका पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो अगर आपको इससे मंगाना है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है। अमेजन पे भी अवेलेबल है बट वहाँ पे भी ये आउट ऑफ स्टॉक था, सो आई जस्ट ऑर्डर इट फ्रॉम नायका। आपको ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मैं सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर आप इस ब्रांड को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप इस ब्रांड की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप नायका पे भी चेक करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप किसी भी ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ब्रांड को इन डेप्थ उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट किया कीजिए। वहाँ पे आप इसके बारे में सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ा करिए, बिकॉज मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि नायका पे ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं होते हैं। इस ब्रांड की मैं नहीं बात कर रही हूँ, बट मैंने कई बार ऐसा देखा है कि नायका पे सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ कुछ ब्रांड के मेंशन नहीं होते हैं। सो अगर आपको सारी चीज़ चेकआउट करनी है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको दो साइज में अवेलेबल होगा, मेरे पास इसका छोटा साइज है 200 ml, नेक्स्ट जो इसका साइज अवेलेबल है विच इज़ 500 ml जो कि 1450 रुपीज़ में है, और ये वाला आपको मिलेगा 590 रुपीज़ में। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता, यू विल गेट अराउंड 5% डिस्काउंट मैक्सिमम। जो मैं आपके साथ और यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो गोट मिल्क शैम्पू है ये आपको 50 ml ट्रैवल साइज में भी अवेलेबल है फॉर ₹160, बट ये इनकी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, ये आपको नायका, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, आपको इसे इनकी वेबसाइट से लेना पड़ेगा। सो अगर आप इसका छोटा साइज लेना चाहते हैं, ट्राई आउट करना चाहते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन द बिगर बॉटल, तो आप ज़रूर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके जितने भी सारे हेयर केयर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, सारी चीज़ें आपको ट्रैवल साइज में भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो एक दो चीज़ें लेके ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और फिर बड़े बिग साइज़ में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दैट इट हैज़ गोट मिल्क, ऑल्सो दे सेज दैट इट इज़ एनरिच्ड विद पिया प्रोटीन, अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ जैस्मिन ऑयल। तो अगर आपको पता हो तो गोट मिल्क इज़ अ नेचुरल कंडीशनर, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू कंडीशन योर हेयर नेचुरली। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ पिया प्रोटीन, पिया प्रोटीन विल गिव यू इंटेंस मॉइस्चराइजेशन। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो पिया प्रोटीन एक ऐसा इंग्रीडियंट है जो कि ड्राई हेयर को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन देता है। इट हैज़ जैस्मिन विच स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ। तो इन दिस वे ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है। अगर आपकी कोई भी हेयर प्रॉब्लम है, लाइक यू हैव ड्राई स्कैल्प, ड्राई हेयर है, अगर आपके बालों का मॉइस्चर उड़ गया है, तो भी आपके लिए वाला शैम्पू बहुत हेल्पफुल है। दिस हैज़ जैस्मिन ऑयल जो कि आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। एंड द फ्रेग्रेंस, ओ माई गॉड, इट हैज सच अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, पूरा जैस्मिन जैसा महकता ही है। तो ओवरऑल दिस इज एन ऑल इन वन प्रोडक्ट बिकॉज ये आपके बालों को कंडीशन भी करेगा, साथ ही साथ ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपके बालों की हेयर ग्रोथ में भी हेल्पफुल है, जैसा कि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस की, तो मैं इसे यूज करे अराउंड 1.5 मंथ, मैंने इसे मंगा लिया था 1.5 महीने पहले और मैंने इसको अच्छे से यूज कर लिया है। अब शुरू के जो 3-4 वॉश मैंने इसके साथ किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं कभी भी अपना हेयर वॉश हेयर ऑयलिंग के बिना नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज ऑयल माई हेयर बिफोर वॉशिंग माई हेयर। अगर मैं बहुत ज़्यादा हरी में नहीं हूँ या कोई इमरजेंसी नहीं आई है, तो हाँ, मैं हमेशा अपने बालों में ऑयल लगाती हूँ और अच्छे से लगाती हूँ। अच्छे से लगाने का मतलब है कि मैं काफ़ी क्वांटिटी में ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों पे। ये बहुत ही रिकमेंडेड नहीं होता, आप कम क्वांटिटी में भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, बट मेरी बात करें तो मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जब तक मैं एकदम डीपली ऑयल ना लगाऊं बालों में। तो शैम्पू ज़्यादा लगता है, जो क्वांटिटी होती है शैम्पू की वो ज़्यादा लगती है। आप एक सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं तो जो क्वांटिटी लगेगी वो नेचुरली थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो जो मैं वाउ का भी शैम्पू यूज़ करती थी उसमें भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगती थी। और सो आई ऑलवेज अप्लाई माई शैम्पू ट्वाइस, एक बार मैं अच्छे से अपने ऑयल को निकालती हूँ, सेकेंड टाइम मैं जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि सारा ऑयल निकल गया है, तो मैं दो बार शैम्पू करती हूँ। सो जब मैंने इसे पहली बार यूज़ किया, मैंने जो दो तीन वॉशेज में मैं बहुत ही कन्फ्यूज थी। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट द प्रोडक्ट, बिकॉज अगर मैं इसे नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, लाइक इफ़ आई टेक 2-3 पम्प्स एक बार में, तो ये मेरे बालों का जो है ऑयल नहीं निकाल रहा था। शैम्पू के बाद सेकेंड डे दोबारा से मुझे अपने बाल शैम्पू करने पड़ते थे। सो आई जस्ट थॉट कि या तो मैं हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ या तो मैं शैम्पू अच्छी क्वांटिटी में नहीं यूज़ कर रही हूँ। सो दो तीन बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा कि मे बी मेरी कोई गलती होगी, तो सेकेंड टाइम मैंने उसे अच्छे से वॉश किया, फिर भी मेरे बालों का ऑयल जो है वो पूरे अच्छे से नहीं निकल पा रहा था। सो दो तीन बार के बाद मैंने थोड़ी क्वांटिटी डबल कर दी, लाइक आई यूज़ टू टेक 3 पम्प्स इनिशियली, तो अब मैं 4-5 पम्प्स ले रही थी, इवन 6 पम्प एक बार में। सो अगर मैं 2 बार शैम्पू यूज़ करती हूँ तो इसका मतलब मैं 8-10 पम्प ले रही थी। सो इन दिस वे जब हेयर वॉश के बाद मेरे बाल एक्सक्लूसिवली ड्राई फील हो रहे थे, ऑल्दो मेरे बाल ना ही ऑयली हैं ना ही मेरे बाल ड्राई हैं, नॉर्मल हैं। स्कैल्प थोड़ी ऑयली हो जाती है वेदर के अकॉर्डिंग, बट जो नॉर्मल जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो नॉर्मल हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी निकाल ले रहा है, ऑल्दो मैं हेयर ऑयलिंग भी कर रही थी, ऑल्दो मैं हेयर मास्क भी अप्लाई कर रही थी। सो आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा थे। सो नेक्स्ट टाइम अराउंड 2-3 वॉशेस के बाद अगेन मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, एंड व्हाट आई डिड कि मैंने जो भी मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ, तो फर्स्ट वॉश में मैं अच्छी क्वांटिटी में लाइक 4 पम्प्स यूज़ कर रही थी, एंड सेकेंड वॉश में जस्ट टू मेक श्योर कि कोई ऑयल ना रह जाए, तो मैं जस्ट 2-3 पम्प ही यूज़ कर रही थी। ओवरऑल मैं जो है इसके कम से कम 6-7 पम्प्स ही यूज़ कर रही थी। अब इसके बाद जब मेरे बाल एयर ड्राई हुए, तो उस दिन तो मुझे मेरे बाल थोड़े ड्राई लगते हैं, बट सेकेंड डे से मुझे मेरे बाल बहुत सुंदर दिखने लग गए। मेरे बालों का जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन था, मेरे बालों में फिजीनेस भी नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसे शैम्पू बहुत पसंद है जो मेरे बालों को वॉल्यूम देते हैं, बिकॉज मेरे बाल बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही सिल्की हैं, बहुत ही स्ट्रेट हैं, तो जो वो बाल जो मेरे बालों को और ही मेरे स्कैल्प को थोड़ा चिपटा बना दे, स्ट्रेट बना दे मेरे बालों को, मुझे ऐसे शैम्पूज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो इन दिस वे ये आपके बालों को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, प्लस ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, आपके बालों का नेचुरल मॉइस्चर नहीं निकालता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बालों को कंडीशन भी करता है। अगर आप कंडीशनर नहीं भी यूज़ करना चाहें तो भी आप
शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आई नेवर रिकमेंड कि आप शैम्पू के बाद कंडीशनिंग ना करें। आप थोड़ा सा ही कंडीशनर यूज़ करें बट आप कंडीशनिंग करें। ये जो मैंने रियलाइज़ करी कि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अबाउट द क्वान्टिटी विच यू आर यूजिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर ऑयलिंग करते हैं जैसे मैं करती हूँ, बहुत हैवी ऑयल लगाती हूँ, वैसे भी इतना हैवी ऑयल नहीं लगाना चाहिए बिकॉज आप जितनी ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट लगेगा, शैम्पू यूज़ होगा। जितना ज़्यादा आप शैम्पू यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके बाल जो है वो ड्राई होंगे। तो मैं भी इस हैबिट से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, ऑलवेज यूज उतना ही ऑयल जितना कि आपके स्कैल्प को अच्छे से ऑयल कर दे, आपके स्कैल्प को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे। अगर मैं प्राइस पॉइंट को हटा दूँ तो ये मेरे बालों की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, मेरे बालों को बाउंस, मेरे बालों में बाउंस क्रिएट कर रहा है। लाइक अभी आप जो मेरे बाल देख रहे हैं ये मैंने कल शैम्पू किया था, मैंने ये वीडियो कल शूट नहीं किया बिकॉज मुझे नेचुरल दिखाना था कि सेकेंड डे आपके बाल धुलने के बाद कैसे लगते हैं। सो जो आज आप मेरे बाल देख रहे हैं दिस इज द सेकेंड डे आफ्टर वॉशिंग माई हेयर। सो दिस इज माई टोटल एक्सपीरियंस, मुझे कैसा लगा इस शैम्पू को यूज करते हुए। ओवरऑल आई हाईली रिकमेंड दिस शैम्पू, यू कैन जस्ट गो फॉर दिस। दिस इज अ नेचुरल शैम्पू जो कि मेरे ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है। विद दिस इट्स अ रैप, आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आल्टिन देन, बाय।